गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, क्लास टेंथ, विषय हिंदी साहित्य, पाठ्य पुस्तक का नाम कृतिका भाग टू और चैप्टर सेकंड पार्ट दूसरा। आज का क्लास का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्न और उत्तर। यह इस क्लास का, इस चैप्टर का आपका पांचवा भाग है, अर्थात इससे पहले भागों में हमने इस चैप्टर की व्याख्या सुन ली और लगभग पांच प्रश्नों को कर लिया और जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम इस भाग में करने जा रहे हैं। छठवां प्रश्न सुन लीजिए। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं। प्रस्तुत कहानी में, कौन सी कहानी में? जॉर्ज पंचम नामक कहानी में कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करती है, जो मौजूदा, इस समय जो मौजूद व्यवस्था है उस पर करारी चोट करती है, अर्थात उसको गलत बताते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, और उदाहरण के लिए एक प्रसंग आता है कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ नष्ट हो चुका है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिए, अर्थात कुछ इस प्रकार के प्रसंगों को हमें छांट कर लिखना है जो मौजूदा व्यवस्था पर, जो हमारे शासन की व्यवस्था पर, जो शासन की सत्ता की जो व्यवस्था है उस पर कटाक्ष करते हो, अर्थात उस पर करारी चोट करते हो, ऐसे प्रसंगों को हमें बताना। जैसे उत्तर के रूप में देखिए, सुनिए। नंबर एक, इस नाक के लिए बड़े तहलके मची थी। किसी वक्त राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे। और देख लीजिए, नाक के लिए, यहां नाक इट मींस का मतलब होता है इज्जत। इस इज्जत के लिए बड़े तहलके मचे थे, बड़ा तहलका मच गया था, उस समय की बात है। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किए, चंदा जमा किया गया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए। देखिए कितना मतलब व्यवस्था है हमारी कि इतने काम हुए छोटी सी नाक के लिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए। देश के खरे कुवाओं का मीटिंग बुलाई और मसला पेश किया गया, देश के बड़े बड़े महान विद्वान लोगों को बुलाया गया, मीटिंग की गई और उसमें प्रस्ताव पेश किया गया। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, निम्न स्तर के नहीं, उच्च स्तर के मशवरे। मशवरे इट मींस होता है राय, अर्थात विचार लिए गए सभी लोगों के, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया हर हालत में स्नाक का होना बहुत जरूरी है। और मशवरे करने के बाद में, मीटिंग करने के बाद में निर्णय लिया गया कि स्नाक का होना 100% जरूरी है। मूर्तिकार यूं तो कलाकार का पर पैसे से लाचार था, मूर्तिकार यो तो कलाकार था। देखिए मूर्तिकार सब जगह गया, हर प्रयास किया, क्योंकि वो पैसे से लाचार था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक की नजर ने दूसरे से कहा यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और एक दूसरे की तरफ ताकते रहे और एक दूसरे की जिम्मेदारी को एक दूसरे पर डालते रहे और जो कार्य था वो लटकता गया। सर मेरी कथा माफ हो, फाइल सब कुछ हजम हो चुकी है। क्लर्क से जब पूछा गया कि फाइलों में देखिए कि यह जो जॉर्ज पंचम की नाक, जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है वो किस पत्थर की बनी हुई है, वो पत्थर कहाँ से तलाशा गया, कहाँ से लाया गया, उस चीज के बारे में फाइल में जरूर लिखा होगा, तो उस फाइल को देखा गया, क्लर्क के माध्यम से दिखलाया गया, तो उस क्लर्क ने कहा कि माफ कीजिए हजूर, वो फाइल है नहीं, गायब हो चुकी। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, और सभापति ने धीरे से कहा कि बड़ी होशियारी से। तो इस प्रकार के जो प्रसंग है इस चैप्टर के अंतर्गत, ये हमारी शासन सत्ता की जो व्यवस्था है उस पर करारी चोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। नाक मान और सम्मान का द्योतक है। नाक का मतलब इस चैप्टर में जो जॉर्ज पंचम की नाक है, इस नाक का मतलब है इज्जत, प्रतिष्ठा से है ये नाक नहीं। नाक का दूसरे रूप में जो अर्थ होता है वह प्रतिष्ठा और इज्जत और मान सम्मान से होता है।
यह बात पूरी ब्रह्म रचना में किस तरह उभर कर आई है लिखी, जो नाक मान और अभिमान और सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है वह किस प्रकार इस चैप्टर के माध्यम से उभर कर आया है उसके बारे में हमें उत्तर मिलता है। यह पाठ व्यंग्यात्मक पाठ है, इसमें व्यंग किया गया है। नाक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ बहुत देर से आपको, इस चैप्टर को पढ़ाने से प्रारंभ करने से पहले भी कहा, प्रारंभ करने के बाद में भी कहा कि नाक एक मीन्स होता है प्रतिष्ठा का, एक प्रतीक है, एक सम्मान का प्रतीक है, एक अभिमान और स्वाभिमान का प्रतीक है। जॉर्ज पंचम की नाक कट जाने का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिल जाना था, और जॉर्ज पंचम जैसे व्यक्ति की नाक कट जाना, ब्रिटिश सरकार के जो प्रथम शासक रहे हैं उनकी नाक कट जाना एक उनकी प्रतिष्ठा, एक उनकी इज्जत पर सवाल है, उनकी इज्जत को धूल में मिल जाना है। यह दोनों देशों के लिए परेशानी का समय गया, और यह दोनों देशों के लिए परेशानी की बात है भाई। इंग्लैंड के लिए परेशानी की बात तो यह है कि इतने राजा महाराज, मतलब ऐसे राजा महाराज की लाट पर मूर्ति नहीं और मां की रानी यहां आ रही है वो देखें तो क्या हुआ। हिंदुस्तान के लिए यह है कि इतनी मतलब तैनाती होते हुए, हथियार के साथ में तैनाती होते हुए भी नाक कैसे चोरी हो जाती है, और नाक नहीं हो तो हम किस प्रकार दूसरे देश को सम्मान दे पाएंगे। यह दोनों देशों के लिए परेशानी का सबब बन गया, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भारत पर खतरे का प्रतीक बन गया। पाठ में सत्य ही उद्घाटित हुआ है कि भारत के नेताओं सहित बच्चों सभी की प्रतिष्ठा हमारे लिए विदेशियों से अधिक है। उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, परंतु आत्मा पर भारत माता का शासन था और हमेशा रहेगा। यही वजह है कि उसके नाम जितना छोटे साइज का नाम नहीं मिला। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर, उसके नाक के बराबर नाक पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में तलाशी गई। यहाँ तक बच्चों की नाकें भी देखी गई, जो 42 बच्चे शहीद हुए थे बिहार सचिवालय के सामने, सबकी नाकें टटोली गई और जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर नाक नहीं मिली। अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी और हमारे देश में उन बच्चों की भी नाक उस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अर्थात यह प्रतीत होता है इन बातों से कि हमारे देश के बच्चे की नाक जो है, जो पद और प्रतिष्ठा है और जो सम्मान है, बड़े लोगों की तो बात छोड़ो, राजनेताओं की तो बात छोड़ो, हमारे देश के बच्चों की इतनी इज्जत है कि वो दूसरे देश के लोगों की उतनी इज्जत है ही नहीं, मतलब उनसे ज्यादा हमारे यहाँ के बच्चों की इज्जत है। इतने भारत और हिंदुस्तान की एक मतलब एक खूबी है कि यहाँ के बच्चे बच्चे की भी आपकी एक प्रतिष्ठा होती है, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की, और बाहर के विदेशी लोगों के बड़े लोगों की भी इतनी प्रतिष्ठा नहीं होती जितनी हमारे यहाँ के, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे का एक सम्मान, एक अभिमान, एक स्वाभिमान जो होता है वो विदेशी लोगों का भी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का, रही स्थानों का भी नहीं होता है जितना कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चे का एक सम्मान होता है। यह इस बात का प्रतीक है। ऐसा कहा है कि आत्मा पर भारत माता का शासन है, उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, परंतु हमारी जो आत्मा है, हमारे देश में विदेशियों ने शासन अवश्य किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारे भारत पर शासन अवश्य किया, लेकिन भारत माता की आत्मा पर शासन विदेशियों ने उस वक्त भी नहीं किया था और इस वक्त भी नहीं किया है। इस देश में ऐसे लोग भी हैं, कई लोग हैं जो इस देश के लिए मरते हैं, जीते हैं, पीते हैं, खाते हैं, इस हिंदुस्तान के लिए वो तड़पते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं और जीते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक पिटना होने की बात से लेकर किसी और संकेत करना चाहता है, जैसा कि आपको पहले वाले प्रश्न में मैंने, उसके उत्तर में मैंने आपको बताया कि हमारे देश के बच्चे की भी नाक वहाँ के बड़े लोगों की नाक से ज्यादा है, अर्थात वहाँ के बड़े लोगों से भी ज्यादा इज्जत हमारे यहाँ के बच्चों की है। जब बच्चों की इतनी इज्जत है हमारे देश की, तो बड़े लोगों की कितनी इज्जत होगी, आप यकीनन विश्वास नहीं कर सकते हैं। इतनी बहुत ज्यादा इज्जत है, आप सोच भी नहीं समझ सकते। यह बात संकेत देती है कि हमारे देश के लिए शहीद हुए भारतीय नेताओं और बच्चों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान विदेशी शासकों की तुलना में बहुत अधिक है। निर्दयी विदेशी शासकों को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, इसे सोचने पर ही गुलामी की भूख आती है। अर्थात निर्दयी निष्ठुर जो हमारे दुश्मन हैं, जो पाकिस्तानी और चीन और जो हमारे अंग्रेज दुश्मन होते हैं,
उनकी उनके बारे में सोचने पर भी हमारे यहाँ बू आने लग जाती है, अर्थात नफरत होने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने नतई रहे वो हमारे साथ में घोर उन लोगों ने अत्याचार की है। ऐसा इस प्रश्न का यह उत्तर है। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? जैसा कि आपको बताया, तरह तरह का प्रयास किया मूर्तिकार ने, और मूर्तिकार ने प्रयास करने के बाद में हर गिज प्रयास किया, हर प्रदेश में गया, हर राजनेता देशभक्त राष्ट्र प्रेम भक्त की सबकी नाकों का साइज लिया, लेकिन जॉर्ज पंचम की जो नाक जितनी छोटी थी उतनी नाक छोटी नहीं मिली। और लास्ट में अंत में उसने यही प्रयास किया कि किसी जिंदे व्यक्ति की नाक लगाई जाए और जिंदे व्यक्ति की नाक काट ली जाए और उस नाक को जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दिया जाए। इस खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया, जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, जो पत्थर की नहीं लगती है। इसके अलावा कोई खबर नहीं छपी जैसे स्वागत समारोह की तथा उद्घाटन की नाक का विरोध करने का ढंग था और उस समय की जो स्थिति थी, क्योंकि जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई थी एक जॉर्ज पंचम की लाट के लिए। इस प्रश्न से दो प्रकार के लोगों का बोध होता है, दो पक्षों का बोध होता है। एक उस पक्ष का बोध होता है जो विदेशी लोगों की खातिर, जो विदेशी लोगों के सम्मान के लिए अपने यहाँ के वजूदों को भी मिटाना चाहते हैं, अपने यहाँ की संस्कृति और परंपरा और प्राचीन पद्धति को, यहाँ के संसाधनों को मिटाना चाहते हैं, लुटाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। और एक वो लोग हैं जो अपने देश के सम्मान के लिए अपने यहाँ की एक मिट्टी के कण को भी बर्बाद नहीं होना चाहते हैं। दो प्रकार के मानसिकता वाले व्यक्तियों का यहाँ बोध होता है इस प्रश्न के माध्यम से, जो उस जॉर्ज पंचम की लाट पर, पत्थर की मूर्ति पर किसी हिंदुस्तान के जिंदे व्यक्ति की नाक काट के लगा देना, ये कोई सम्मान की बात है क्या? आप विदेशियों का सम्मान कर रहे हो, एक पत्थर के लिए जिंदे व्यक्ति की नाक काट दी गई, बताइए कितने दुख की बात है। तो उस दिन जिस दिन यह जिंदा नाक लगाई गई थी उस पत्थर पर, जॉर्ज पंचम की पर वह नाक जो लगाई गई थी, वह नाक जिंदे व्यक्ति की जब लगाई थी तो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में किसी भी प्रकार का कोई सम्मेलन नहीं हुआ, कोई समारोह नहीं हुआ, कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कोई किसी भी प्रकार का उत्सव महोत्सव समारोह नहीं हुआ, क्योंकि यह एक दुख और संवेदना का प्रतीक था और इस ढंग से वो व्यक्त करना चाह रहे थे हिंदुस्तान के लोग। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से यह कहना चाहता है लेखक कि हिंदुस्तान में विदेशी लोगों का सम्मान नहीं है और यहां के जो लोग हैं उनका, यहां के बच्चों का भी सम्मान है। अर्थात सब कुछ था विदेशी लोगों की, जिन्होंने हमारे साथ में क्रूर अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, निष्ठुरता के साथ में हमारे साथ में पेश हुए, ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में कोई सम्मान नहीं। चाहे वो हिंदुस्तान का क्यों ना व्यक्ति हो, अगर हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान की बात करता है, हिंदुस्तान के लिए जीता है, हिंदुस्तान की खातिर मरता है, वह व्यक्ति वास्तविक हिंदुस्तान का है, उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस देश के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे बड़े बड़े घराने का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कहीं का कोई भी कितने भी पैसे वाला हो, उसका हम दृढ़ विरोध करेंगे। यहाँ लेखक जो कमलेश्वर जी हैं वो इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की जब नाक लगाई जा रही थी उस दिन अखबारों में कोई खबर नहीं छपी थी, इसका क्या कारण था? इसका यह कारण था कि जॉर्ज पंचम एक लाट की मूर्ति थी, पत्थर की मूर्ति थी, उस पर पत्थर की मूर्ति लगानी चाहिए और उस पर पत्थर की मूर्ति ना लगाकर किसी हिंदुस्तान के शख्स की, जिंदे शख्स की नाक काटकर उस पत्थर की मूर्ति पर लगा दी गई तो हिंदुस्तान में यह खबर किस प्रकार छप सकती है? क्या इसका छपना सही था? नहीं था, इसलिए हिंदुस्तान के किसी भी पेपर में इस प्रकार की खबर नहीं छपी थी, क्योंकि यह हिंदुस्तान के सम्मान की बात थी, एक विदेशी राजा के लिए, विदेशी शख्स के लिए जो हमारे देश के खिलाफ बोला हो, जो हमारे देश के खिलाफ लड़ा हो, जिसने हजारों सैनिकों को मारा हो,
उसके लिए उस पत्थर की, वो भी उस पत्थर की मूर्ति के लिए हमने किसी जिंदे व्यक्ति की नाक लगा दी, ये हमारे प्रतिष्ठा की बात नहीं है, अर्थात हमारी प्रतिष्ठा के गिरने की बात है, अर्थात हमारे इज्जत में डूबने की बात है, अर्थात ये दुख की बात है, ये संवेदना की बात है, दर्द की बात है। इसलिए हिंदुस्तान के हर अखबार में इस प्रकार की कोई खबर नहीं छपी थी उस दिन, हर पेपर खाली खाली आया था और सभी सभाएं बंद थी उस दिन, उद्घाटन बंद थे, सम्मेलन बंद थे, समारोह बंद थे, उत्सव वर्ष सारे बंद थे। तो यह इस प्रकार आपके यह चैप्टर समाप्त हो जाता है, सेकंड चैप्टर, इसके प्रश्न उत्तर भी साथ में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार लगभग इसमें आपके 10 प्रश्न हैं और 10-11 प्रश्न हैं, 11 प्रश्नों के आपको आंसर प्राप्त हो जाते हैं। और भी इस चैप्टर से संबंधित कोई भी और भी आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी भी प्रकार की, सहज आप फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, निसंकोच भाव से कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।